जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। हाँ दोस्तों, जो अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, पुण्य के काम करते हैं, कर्मकांड, पूजा, पुराण, भगवद गीता, हर इत्यादि अच्छे काम करते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन जो चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, वेश्यापन, किसी का रेप करना, किसी स्त्री को गलत तरीके से देखना, बुरे काम करते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है, क्या कारण है, तो जानते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों। चलो प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई भी सवाल आता था तो वह श्री कृष्ण के पास जाते थे और हर सवाल का जवाब पूछते थे, और श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को सारे सवालों के जवाब देते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन के मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई। वह एक व्यक्ति को देखता है जो हमेशा अच्छे काम करता था लेकिन उसके साथ हमेशा बुरा होता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखता है वह हमेशा वेश्यापन, पाप, चोरी, लूटपाट करता था लेकिन वह हमेशा खुशहाल रहता था। तो यह प्रश्न लेकर अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान यह प्रश्न सुनकर हंस पड़ते हैं। हंसने का कारण पूछता है अर्जुन, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, यह हंसने का कारण नहीं तो क्या है। अगरचि जो मनुष्य जिस प्रकार की विचारधारा रखता है, जिस प्रकार की सोच रखता है, वह मनुष्य उसी प्रकार का बनता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर एक मनुष्य को अपना कर्म चुनने की स्वतंत्रता देता है। चाहे मनुष्य अच्छा कर्म चुन ले या फिर अधर्म का रास्ता चुन ले, यह मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है और मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर करता है। हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो व्यक्ति थे, जो कि एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, दूसरों की मदद करता था, मंदिर जाता था, पूजा करता था, बहुत अच्छे अच्छे काम किया करता था। लेकिन उसके विपरीत उसके साथ में जो व्यक्ति था दूसरा, वह नित्य वेश्यापन, स्त्री को गलत नज़र से देखना, चोरी, मार पीट, लूट पाट करता था, और वह मंदिर भी लूट पाट की नज़र से जाता था, श्रद्धालुओं को लूटता था और मंदिर के सामने से चप्पल चुराता था। एक दिन उस गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके कारण पुजारी वगैरह सब मंदिर से चले गए, लेकिन वह सज्जन व्यक्ति वहां पर कुछ समय तक रुका और फिर वह भी धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन उस दुष्ट प्राणी को भगवान की मूर्ति में सोने के हार जो चढ़े थे ना, वो नज़र आए तो वह निकालने लगा और निकालकर भाग गया। लेकिन पंडित आया थोड़े टाइम में, तो उसे लगा कि सज्जन व्यक्ति ने चोरी की है, तो चोरी का इंजाम उस सज्जन व्यक्ति पर लग गया और वह सबकी पीला सहता रहा और उसे सब चोर चोर करके पुकारने लगे। सभी लोग उस सज्जन व्यक्ति को मारने लगे, लेकिन वह दूर बैठा दुष्ट आत्मा वाला प्राणी उसे देखता रहा और मंद ही मंद मुस्कुराता रहा कि देखो, मैंने आज चोरी कर ली, मैं तो अब करोड़पति बन गया, लेकिन देखो सामने वाला मार खा रहा है। इसी प्रकार से वह दुष्ट प्राणी हंसता है। वह सज्जन व्यक्ति लोगों की मार से भागते भागते जंगल की ओर चला गया, लेकिन वह दुष्ट प्राणी उसे पीछे पीछे चला गया उसे बताने के लिए कि चोरी मैंने की है और तुम देखो कितनी पूजा पाठ कर्मकांड करते हो, फिर भी तुम्हें कितने लोग चोर चोर बोल रहे हैं और तुम्हें पीट रहे हैं, तुम क्या करोगे सज्जन काम कर। वह सज्जन व्यक्ति जंगल में जाता है, लेकिन सिपाही भी उसे तीर मार देते हैं, जिसके कारण वह घायल हो जाता है और वहीं पड़ा रहता है। वो थोड़ी सी ही आगे चलते चलते उस दुष्ट आत्मा वाले प्राणी को एक सोने की पोटली मिल जाती है, तो वह फिर देखता है कि इसे फिर सोने की पोटली मिल गई और मैं भी यहाँ घायल पड़ा हूँ, दर्द से करार रहा हूँ, तो मैं आज के बाद भगवान की पूजा कभी नहीं करूँगा, सज्जन व्यक्ति कहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं उसी क्षण उस सज्जन व्यक्ति को दर्शन दिया और उसे बताया कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे प्रिय शिष्य हो, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, हे मानव, तुमने मेरी पूजा से सब कुछ पा लिया है, तुमने मेरे स्वयं दर्शन कर लिए है। वह दुष्ट प्राणी का व्यक्ति उसके किस्मत में, उसके कर्म के हिसाब से, पिछले जन्म के पुण्य के हिसाब से उसके नसीब में राजयोग था, लेकिन वह छोटी सी पोटली में बदल गया, लेकिन तुम्हारे किस्मत में मौत लिखी थी, लेकिन तुमने मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, तो तुम्हारी मौत टल गई, तो अपने कर्मों का फल आपको मिला है, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अपने कर्मों का फल आप ही के गुण के और कर्मों के हिसाब से मिलता है, न कि किसी किस्मत के या फिर किसी को कोसने से मिलता है। तो इस दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखते हो,
जिंदगी में कर्म करो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। जय श्री राम का नाम लीजिए और आप भी कर्म कीजिए। जय श्री राम मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।